हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स गोल्स पे। मैं हूं सतीन सिंह, आप सभी के साथ यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की मैथ की क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचकेएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा मैथ का एचकेएम क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सभी को बता दें एचकेएफ को हम लोग और एलसीएम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम को क्या कहते हैं हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, और एचकेएफ को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त कहते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि इसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, यानी हमारा लघुत्तम समापवर्त, वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से विभाजित हो सके, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। कहने का मतलब है कि हमें दो या दो से अधिक संख्याओं का हमारा एलसीएम वह होगा छोटी से छोटी संख्या वह होगी जो दी गई संख्याएं होंगी उनसे पूर्णतः विभाजित हो सके। मतलब हमें उन दोनों संख्याओं से मिलाकर एक ऐसी संख्या लाना है कि वह संख्या जो आएगी इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारा वो होगा एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आते तो कोई बात नहीं, हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा उनके क्वेश्चन को करना है यहाँ पे देख लेंगे कैसे यहाँ पे होगा। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, महत्तम समापवर्त क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचकेएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो सकें। यहाँ पर उल्टा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एचकेएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दी गई संख्याएं होंगी उनको वो डिवाइड कर सके। एचकेएफ वही होगा जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सके, दोनों के या दो से अधिक होंगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इन डेफिनेशन के द्वारा इनके एग्जाम्पल को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो क्योंकि हमारे एग्जाम में डेफिनेशन तो आएंगे नहीं, हमारे एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और हमको क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे लिख दिए, बाकी इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि एचकेएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 4, 8, 12 का एलसीएम और एचकेएफ ज्ञात कीजिए, यानी 4, 8, 12 का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचकेएफ भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। आपको याद रखना कि 4, 8, 12 का एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को तब तक डिवाइड करिए जब तक ये पूर्णतया कट ना जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 4 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए और 12 लिख लीजिए, ठीक है। हम सिर्फ आप लोगों को इतना बता रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, बाकी करने का तरीका गुणनखंड विधि से और जोड़े बनाकर करने का तरीका होता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में करना है तो ये तरीका आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना है उन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिखिए और तब तक काटिए जब तक इन संख्याओं को कट के एक ना आ जाए, जब तक विभाज्य में भागफल कितना ना आ जाए, एक ना आ जाए, तब तक इनको काटिए। तो ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को अगर काट रही है तो काटिए। यहाँ पे देखिए दो से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो इसको काटिए, 2 × 2 = 4 आएगा, इसको काटेंगे तो 2 × 4 = 8 आएगा और ये 2 × 6 = 12 आएगा। फिर इन तीनों संख्याओं को देखिए किससे कट सकती हैं, जब तक अगर सभी संख्याओं से कट रही है तो काटिए, अगर बारी बारी करना पड़े तो हम बारी बारी काट देंगे। सबको काट के हमें कितना लाना है, एक लाना है। फिर यहाँ पे हम 2 से काटते हैं, यहाँ पे तो 2 से काटेंगे तो ये 2 × 1 = 2 आएगा और यहाँ पे 2 × 2 = 4 आएगा और 2 × 3 = 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 4 हमारी पहली संख्या थी ये पूर्णतया कट चुकी है और यहाँ पे 1 आ चुका है, यानी अब इसे हमें नहीं काटना है, अब सिर्फ और 2 और 3 को काटना है। तो 2 और 3 एक साथ में नहीं कट पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से इनको काटते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से काट लेते हैं छोटी संख्या से, ये 1 कट चुका है, इसको ऐसे उतार लीजिए और यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 1 = 2 आ जाएगा। 3 नहीं कटेगा 2 से, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अगली बार में क्या करेंगे, इस 3 बचे हुए को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, तो ये पहले से हैं और ये भी कट के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे जब तक संख्याएं कट ना जाए तब तक काटते रहिए, और जिन संख्याओं से हमने काटा हुआ है अगर इन्हीं संख्याओं को क्या करें, हम इन्हीं संख्याओं का, सभी संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करा दें, जैसे 2 है, दूसरा भी 2 है, इन सभी संख्याओं का गुणा करा दें तो जो निकल के आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। ध्यान रखिएगा, जितनी भी संख्याएं दी जाए उनको यहाँ पे एक तरफ लिखिए और तब तक काटिए जब तक इनके भागफल में क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए, ठीक है। और जितनी बार में काटने में जितनी संख्याएं यहाँ पर आए इन सभी का अगर हम गुणा करा दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना एलसीएम आएगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। आप परिभाषा की तरफ आते हैं, तो कहने का मतलब है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनके ये सभी क्या करें, इन सभी को इसके अगर डिवाइड करें तो कट जाए। अब देखिए ये सबसे छोटी संख्या होगी, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें तो पूर्णतया कट जाएंगे। अब देखिए 4 × 6 = 24 पूरा कट जाएगा,
8 त्रिक 24 पूरा कर जाएगा और 12 दूना 24 पूरा कर जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित है, यही परिभाषा इसकी यहाँ पे कहने का मतलब था। अब यहाँ पे बात कर लें HCF क्या होता है, तो HCF भी बिल्कुल आसान है, यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन में हम देख लेंगे HCF क्या होता है। ठीक है, तो HCF वो होता है कि जितनी भी संख्या हमें लेना है वो सारी की सारी संख्याएं अगर एक ही संख्या से जब तक कटती रहती हैं तब तक जब तक चलेगा वही हमारा HCF होगा। यहाँ पे देखिए कि इन तीनों संख्याओं को हमने एक साथ किस संख्या से काटा है, तो हमने एक संख्या को 2 से काटा है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए बचा हमारा 2, 4, 6 आया, फिर इसको हमने किससे काटा, 2 से काटा, तीनों संख्याएं 2 से कट, यानी कॉमन होना चाहिए, यानी हर संख्या से कटने वाला, जब तक सारी संख्याएं एक साथ कटती रहेंगी तब तक हमारा HCF निकलता रहेगा। तो यहाँ पे ये भी 2 HCF में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1 हो चुका है, अगली बार में हमने सिर्फ और सिर्फ इस 2 को काटा है, ये 3 नहीं कट पाया, तो यहाँ पे हमें बारी बारी काटना पड़ा है, तो इसके नीचे हमें इनको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, जब तक सारी संख्याएं जिस नंबर से कटती रहेंगी तब तक हमारा HCF चलता रहेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए खाली एक ये 2 है जिससे पूरी संख्याएं कट गई हैं, एक ये 2 है जिससे पूरी संख्याएं कट गई, इसका मतलब हमारा HCF में खाली और खाली क्या आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा HCF आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो क्या करते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, तो बाकी जो डाउट्स होंगे वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है 135 और 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है, वैसे हमें यहाँ पे संख्याओं को लिख लेना है, 135 को लिख लेंगे और 225 को लिख लेंगे। इस बार हम क्या करते हैं, पहले हम HCF निकाल लेते हैं कि जब तक दोनों संख्याएं कटती रहे तब तक हम काटते रहेंगे। तो दोनों संख्याएं 5 से कटेंगे क्योंकि दोनों संख्याओं के पीछे 5 है, इसका मतलब वे 5 से कट जाएंगी। तो 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो आएगा 5 × 2 = 10 आएगा, 3 बचेगा तो ये 35 हो जाएगा, तो ये 5 × 7 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, उसको भी 5 से काटेंगे तो ये 5 × 20 आएगा, इसमें 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा और 5 × 25 आ जाएगा। फिर कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है, तो है वो संख्या होगी 3। अब आप लोगों को बता दें कि कोई संख्या 3 से कैसे कटेगी, अगर उस संख्या को जोड़कर देखा जाए, अगर वो 3 के पहाड़े में आ जाए तो वह 3 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पे 7 और 2 को जोड़िए तो 7 और 2 = 9 होता है और 9 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 और 4 को जोड़ के देखिए तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9 होता है, वो भी हमारा 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगी। तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, जब तक दोनों संख्याएं किसी संख्या से कटती रहेंगे तब तक हम काटेंगे, वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे हम 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे यहाँ पे आएगा हमारा 3 × 9 = 27 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 × 3 आएगा, 1 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अभी भी ये दोनों संख्याएं एक कम नंबर से कर सकती हैं, वो 3 है, तो 3 से अभी भी हम इसको काटते हैं तो ये 3 × 9 आ जाएगा और 3 × 5 = 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ में काट सके, इतने ही नंबर थे जो दोनों संख्याओं को एक साथ काट रहे थे। अब ये क्या होगा, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा, तो अब बारी बारी हमको काटना पड़ेगा, तो ये हमारे HCF में नहीं लिए जाएंगे। ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को काटती रहे, तो सिर्फ और सिर्फ कितना हमारा होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा, तो यहाँ पे कितना हमारा HCF आ जाएगा निकल के, HCF हमारा आ जाएगा 5 × 3 × 3, तो यानी हो जाएगा 5 × 3 = 15 × 3 = 45, तो हमारा HCF जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम HCF निकाल लेंगे, जब तक सभी संख्याएँ कटती रहें उतनी संख्या लेना है, उनका मल्टीप्लाई करा देना है, वही हमारा HCF होगा। LCM के लिए क्या करना होगा, सारा काटते जाइए, जब तक कटे ना तब तक काटते जाइए। आप क्या करेंगे, बारी बारी काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा और ये क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर किससे काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे तो ये कट चुका है और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है इसको भी हमने काट दिया, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो वो हमारा LCM आ जाएगा। तो LCM निकालने के लिए क्या करना है, आपको सारे फैक्टर लेने होंगे, जितने गुणनखंड यहाँ पे हों सब लेने हैं, HCF में सिर्फ कॉमन लेने हैं, जो सभी संख्याओं को काटते हों यहाँ पे सब लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितने 5 हैं, 5 × 3 × 3 × 3 × 5, ये हमारे फैक्टर आए हैं, तो इनका गुणा कराइए कितना आएगा, 5 × 3 = 15 × 3 = 45, और 45 × 3 अगर करेंगे तो 135 आएगा, और 135 का 5 से गुणा करा लें तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 2 × 17, 5 × 5 = 6, तो हमारा जो LCM आएगा वो 675 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये LCM और HCF निकालना समझ में आ गया होगा। अब भी हमारे पास LCM निकालने की, HCF निकालने की एक और विधि है जिसे हम भाग विधि कहते हैं, उससे भी हम लोग आपको HCF निकालना यहाँ पे बता देते हैं, इसको हम आगे इसके देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे आगे और दो एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एग्जांपल है 675 और 85 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसको पहले हमने जैसे आपको समझाया था वैसे करके दिखाते हैं, और फिर हम एचसीएफ को आपको एक भाग विद होती है उससे भी निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 675 और 85 को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐसी संख्या काटना है कि ये दोनों संख्याएं कट जाएं। अगर दोनों संख्याएं जब तक कटती रहेंगे तो हमारा एचसीएफ आता रहेगा। तो यहाँ पे दोनों के पीछे 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 एकम 5 आएगा, इसमें 1 बचेगा तो ये 17 हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये 17 होगा, ठीक है। तो 5 3 15 आएगा, तो 17 से 15 चला जाएगा, तो 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको काटे तो ये 5 एकम 5 आएगा, और फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 8 है 5 आ जाएगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 7 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब क्या कर लगता है कि ये दोनों संख्याएं कटेंगी, अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से कट सकती हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ से कटना बंद हो जाएंगी दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं को काटने के लिए अलग अलग संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा एचसीएफ वहां नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये संख्या 5 से कट सकती है और ये संख्या 17 किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ और सिर्फ 17 से ही कटेगी। अगर ये 17 से कट सकती है तो 17 से काटिए, वरना ये दोनों संख्याएं अलग अलग काटनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मान के चलिए, तो ये दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटेंगी, इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को एक साथ काट पाए। तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 था जिसने इन दोनों को काटा, तो अब नहीं कटेंगी ये। अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा काटते हैं। तो इसको आखिर तक हम पूरा काटते हैं और फिर इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 से काटेंगे तो ये 5 2 10 आएगा, 3 बचेगा तो ये 5 7 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 17 आएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 9 27 आएगा, और ये 17 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 17 तो कटेगा नहीं। फिर ये 3 से काटेंगे तो 3 9 आएगा, और ये 17 ऐसे ही। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और ये 17। फिर लास्ट में 17 को काट लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 17 एकम 17, तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा ये आएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 17, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, तो 5 25 25 75 75 2 150, और ये हमारा 75 करेंगे तो 3 बार में कितना है, 25 25 25 75 75 3 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने गुणा कर लिया है, तो ये हमारा कितना आएगा, 225 आ जाएगा। और हमारा बचा कितना है, 17 3 51, तो यहाँ पे 17 3 51 लिख लेंगे। फिर 51 और 225 का गुणा करा लीजिए, तो 51 और 225 का गुणा कराते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 5 2 2 5 25 5 2 10 5 2 10 11, ठीक है। ये 5 7 2 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 2 75 आ जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपको भी को याद रखना है कि जब तक कॉमन पार्ट से कटते रहेंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कटती, बारी बारी से काटना पड़ता है, तो वो हमारा एलसीएम में चला जाएगा। फिर हमने आपको कहा था कि एचसीएफ निकालने की हम आपको एक और तरीका बताएंगे, वो तरीका क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा छोटा नंबर होगा उसको क्या करना है, बड़े वाले नंबर से डिवाइड करना है। जो छोटा नंबर हो उसे बड़े वाले नंबर से क्या करिए, डिवाइड करिए, और तब तक डिवाइड करिए जब तक हमें रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, हमें 85 को क्या करते हैं, यहाँ पे 85 को क्या करते हैं, 675 से डिवाइड करते हैं, और जिस संख्या से आखिरी में 0 आ जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 85 का पहाड़ा पढ़िए कि 675 आ जाए, तो 85 का पहाड़ा तो किसी को आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करिए, एक नंबर ये बंद कर लीजिए, एक नंबर ये बंद कर लीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 67 आ जाए, तो ये लगभग 8 बार जाएगा, 88 64, यानी 8 बार यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख लीजिए। अब 8 बार जितनी बार जाए इसका इससे गुणा कराइए, तो 8 5 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 88 64 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 8 बार अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमें 8 बार नहीं, कितनी बार करना होगा, 7 बार करना होगा, ठीक है। तो 8 बार में आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। तो 7 बार में करके देखते हैं, तो यहाँ पे 7 5 35 आएगा, और 7 8 56 56 3 59 आ जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये 0 हासिल लेंगे, तो 17 से 9 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। फिर जितना शेषफल बचा है, जितना शेषफल बचे, इस शेषफल को क्या करना है, अब इससे जितना हमने जिसके पहले हमने डिवाइड किया था उसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी हम अब 80 से क्या करेंगे, जिससे हमने पहले भाग किया था उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है।
जितना भी शेषफल बचे अब उससे डिवाइड करना है जिससे हमने पहले डिवाइड किया था। तो 80 को 85 से डिवाइड करेंगे तो 80 एकम कितना आएगा, 80 आएगा। फिर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। जब तक जिसके डिवाइड करने पर 0 आएगा वही हमारा एचएफ होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 5 बचा है। अब इस 5 से डिवाइड करेंगे जिसको हमने पहले डिवाइड किया था, 80 को डिवाइड किया था, तो 80 से डिवाइड करेंगे अब किसको, 5 को। ठीक है, पहले 85 से डिवाइड किया जो शेषफल बचा, अब इस शेषफल को डिवाइड किया 85 से, फिर जो शेषफल बचे उसको डिवाइड करिए पहले वाले से। तो हमने यहाँ पे 5 को 80 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 आएगा, 3 बचेगा तो और ये 0, तो 5 छक्का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे कितना आया, 0 है, और 0 किससे आया है, 5 से आया, तो यही हमारा 5 क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आप क्या करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते जाइए, जितना शेषफल है फिर उससे डिवाइड करिए, फिर शेषफल है फिर उससे डिवाइड करिए, और जिसके लास्ट में 0 आ जाएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से 0 आया तो यही तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, ये एचसीएफ का तरीका हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम इसका एचसीएफ आपको हम इस तरीके से निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 216 है, इससे क्या करेंगे हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे निकाल के दिखा देते हैं, फिर हम उसको उस तरीके से भी यहाँ पे बता देंगे। तो 216 का पहाड़ा पड़े कि 720 आ जाए तो ये कितनी बार लगभग जाएगा, यहाँ पे 0 बंद करिए, 0 बंद करिए, तो 21 63 यानी 3 बार जाएगा। तो 3 बार ये पहाड़ा जाएगा तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 1 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। हासिल लेंगे तो 10 से 8 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पे 11 बचेंगे, हासिल लेंगे तो 11 से 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। आप क्या करना है, जितना आया है इसके भाग करेंगे जिसके पहले हमने भाग किया था। तो 72 से हम यहाँ पे 216 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग आप लोग मान के चलिए 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 2 6 आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा कट गया है। अब पूरा पूरा किस नंबर से कटा है, 72 से कटा है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जिससे हमने पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो 72 हमारा एचसीएफ हो गया है। एचसीएफ 72 कैसे है, इसको यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 216 को और क्या करते हैं, 720 को तब तक काटते हैं जब तक ये कट ना जाए। तो सबसे पहले 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2 आएगा। जब एक साथ में 2 नंबर लेना पड़े बाद में, तो 0 लगा के यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 8 16 आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 आएगा, 1 बचेगा, 2 6 12, और ये 0 का 0 उतार लेंगे। ठीक है, पहले आप 2 नंबर ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में अगर आप लोग 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं तो वहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, ये याद रखना होगा। फिर 2 से काटते हैं यहाँ पे, तो 2 5 10 आएगा, 2 6 8 आएगा। यहाँ पे 2 एकम 2 आएगा, इसमें 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटें तो 2 2 4 आएगा, इसमें 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 9 18 और ये 0। फिर ये कट जाएंगे 3 से, तो 3 9 27 आ जाएगा, और 3 3 90। फिर ये 3 से कट जाएंगे, 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 10 30। आप लोग देख सकते हैं इतने ये सारे नंबर हैं जिनसे ये दोनों नंबर एक साथ कटते चले। अब इसके बाद हमें देखिए ये नंबर 3 से कटेगा, फिर ये नंबर 2 से कटेगा, एक नंबर से कट नहीं पाएंगे, तो यानी इतने ही हमारे एचसीएफ वाले होंगे। तो यानी हमारा जो एचसीएफ होगा इन्हीं से निकलेगा जिनसे हमने सारे फैक्टर काटे हुए हैं। देखिए इन सभी से क्या हुआ, ये पूरी पूरी संख्याएं कटी हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितना होगा, 2 2 4 2 8 3 24 24 3 72। तो हमारा देख लीजिए एचसीएफ 72 इस तरीके से भी आ चुका है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो इससे करिए, वो तरीका अच्छा लगे तो उससे करिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, और ये भाग करते जाते हैं जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 0। और जिस बार शेषफल 0 आ जाए वही संख्या हमारी एचसीएफ हो जाएगी। एलसीएम के लिए क्या करना होगा, इसको लास्ट तक काटना होगा, तो इस 3 को भी काट लेते हैं यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा। फिर ये 10 बचा है, और इसका क्या करते हैं, इसको हम 10 से ही काट देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा हो चुका है। अब एलसीएम देखें यहाँ पे, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 × 2 × 2, ये हमारे 2 आए थे, फिर 3 कितने आए हैं, 3 हमारे भी 3 आए हैं, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, 3 × 3 × 3 × 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 2 2 4 2 8 आ जाएगा, और ये 3 3 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, गुणे कितना रहेगा, 10 रहेगा। फिर ये 8 7 56 और 8 2 16 5 21 और पीछे ये 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारा काटते हैं, आखिर तक काटते हैं जब तक कट ना जाए। एचसीएम में तब तक काटते हैं जब तक दोनों संख्याएं कटती रहें। ठीक है, तो एक तरीका ये एचसीएफ का, एक तरीका ये। तो आज के वीडियो में हमने आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दिया है। इसी के आगे एचसीएफ और एलसीएम के क्लास में हम सेकंड क्लास में कुछ और टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर। आज के लिए इतना ही।